और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है वो बंदे को मार देता है। जो बंदा आपको हकीकत बता रहा है, अथेंटिक चीज़ें बता रहा है, आप उससे नहीं लेते हैं, आप किसी और से। हमारा भी कभी कभी दिल करता है कि यार हम आप लोगों को, ठीक है जो बंदा आता है फसाए जाए, लेकिन जो है वो मुझे अभी तक उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं और उसके ऊपर FIR वगैरह जो वो कटवाए। बाद में पुलिस वालों ने उनको बुलवाया, हमें भी बुलवाया, सुना DPO ने जी अच्छा हम देखते हैं इसको करते हैं तो नेक्स्ट आइएगा, क्योंकि उसने पैसे देने होते तो वो देता, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। और मैं 6-7 महीने वेट करता रहा, जब 6-7 महीने बाद जाके पता किया तो उसमें पैसे ही हैं। उन्होंने कहा जी ये 3 लाख है, हम इसमें से कोई 30% पता नहीं कितना जो है डिडक्शन करेंगे और आपको 6 महीने बाद का चेक देंगे। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साल साल वैसे ही वो पड़े रहते हैं और आप लोगों को बच्चा दिखाते हैं, पैसे खींचते हैं। लेकिन मैंने जो है बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने ये गलत कदम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशारत जीमा। आज हम आपके लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, पर्सनल स्टोरी है। इसका मकसद ये है कि आप लोग भी शायद इसके सुन के या समझ के आप लोगों को भी समझ आ जाए या कोई आइडिया हो। आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले की बात है, हम जो है ना वो मैं कोई प्रॉपर्टी देख रहा था, उस वक्त मैं प्रॉपर्टी का फुल टाइम काम नहीं कर रहा था, बस अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहा था इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो ये बाद में आपको इसका मॉडल पता चलेगा। अच्छा, मैंने देखा डिफरेंट जगहों पे साइटी स्टार्ट हो रही थी, कुछ जगह थी, मुझे था कि यार कमर्शियल में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कमर्शियल जो है उसका बड़ा बूम होता है और उसमें जो है ना वो कोई शॉप लेनी चाहिए। तो एक प्लान आ रहा था, एक कमर्शियल बिल्डिंग बड़ी सारी वो बना रहे थे GT Road के ऊपर। तो वहाँ पे उन लोगों से पहले भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ली थी, उन्होंने मुझे शेयर किया जी ये प्लान है, हम जो है एक बड़ा कमर्शियल हब बनाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी दुकानें होंगी और वहाँ पे समझ लें कि होलसेल की एक मार्केट होगी। हम शालवी मार्केट को समझ लें, वहाँ पे शिफ्ट करना जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने कुछ चाइनीज़ भी, कुछ विजिटर वगैरह आए थे, उनकी भी तस्वीरें लगाई हुई थी और इस तरह करके। तो था कि जी ये दुकान जो है बड़ा मुनासिब इसकी कीमत है, लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, पूरा उन्होंने प्लान बनाया हुआ था उसका, शॉप नंबर्स के साथ ही सारा कुछ था। और ये जी ज़मीन मौजूद है ऊपर, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा उसका काम भी शुरू कर दिया, उसकी जो अर्थ ब्रेकिंग वगैरह वो कर दी, थोड़ा सा नीचे से काम फाउंडेशन बनाना शुरू कर दी। तो जी ये देखें, ये इतनी देर में बन जाएगा, बाद में आपकी दुकान जो है वो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, इसको आप बेचना भी चाहें तो बेच सकते हैं। बेसिकली उस वक्त दुकान थी वो 26-27 लाख की, और आज से मेरे ख्याल 7-8 साल पहले या कितने अर्सा पहले की बात है, उस वक्त वो कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं ये चाह रहा था शॉर्ट टर्म खेलना कि जी मैं जिस तरह आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे जी, हम बुकिंग अमाउंट दें और अपना प्रॉफिट लें और साइड पे हो जाए। मेरे पास शायद उस वक्त बुकिंग अमाउंट थी कोई 3 लाख रुपये शायद थी। तो उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है आप बुक कर लें और कुछ अर्से बाद इसके ऊपर ऑन आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, आप इसको सेल करें और अपना प्रॉफिट साइड पर लें और आप इंजॉय कीजिएगा। तो मैंने उनको बताया भी कि जी मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं रख सकता, इसकी मैं किस्तें नहीं दे सकता, हालांकि किस्त भी उसकी काफ़ी बड़ी थी, तो मैं इसको जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप जो है इसको लें। अब मैंने वो बुक कर ली और उसके बाद उनको पेमेंट दे दी, मेरे ख्याल कोई 3 लाख रुपये के आसपास थी उस वक्त, 3 लाख भी काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि आजकल पैसा आप लोगों को पता है कि डी वैल्यू हो रहा है। तो वो मैंने उनको दे दी और शॉप बुक कर ली, और उसके बाद उसके 6 महीने बाद कन्फर्मेशन अमाउंट थी उतनी ही थी। लेकिन मैंने जो है बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने ये गलत कदम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा जी ये फिर सेल करनी है, उन्होंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर काम किया, कभी काम स्टार्ट कर दिया कभी बंद कर दिया। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर ग्रैंड बाज़ार, अगर आप लोग शदरे से GT Road की तरफ जाते हैं ना, वो लाहौर ग्रैंड बाज़ार के नाम से उन्होंने शुरू किया था। तो वहाँ पर ये लोअर ग्राउंड पर वो एक शॉप बुक की थी, तो वो आज तक प्रोजेक्ट बना नहीं है। आप भी अगर जाएँ जमाल पाई फैक्ट्री, वहाँ पर आती है एक रस्ते में उसके अपोजिट साइड पे ना, तो वहाँ पे वो अभी भी वो शायद उसी सूरत हाल में होगा। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साल साल वैसे ही वो पड़े रहते हैं और आप लोगों को बच्चा दिखाते हैं, पैसे खींचते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, मैंने बाद में उनको कहा कि मैं जो है ना इसको डीलर को कहा मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, वो कह रहे जी नहीं बिक नहीं बिक, 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 बेच नहीं रहे, बिक नहीं सकती। बेसिकली ये था कि डीलर्स के साथ वो कंपनी का माल पड़ा हो तो वो कैसे आपका सेल करें। तो मैं उन्हें कहता रहा, फिर उनके ऑफिस गया जी मैं, उन्होंने कहा जी क्या आपने किस डीलर से ली थी, फलां उनका जो था उससे ली थी, उनको बताया। तो कहते जी जब आपको उन्होंने बताया था तो आपने ये क्यों अपने कमीशन के लिए ये की, वो सिस्टम चलता रहा तो मुझे जो है वो पैसे नहीं मिले। फिर उनके मैंने कहा जी मुझे आप वापस करें, आपको डिडक्शन कर लें या कुछ भी, डिडक्शन का तो नहीं मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी हम डिडक्शन करेंगे। और वहाँ पे मुझे याद है उस बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो बेशक शायद अभी भी वहाँ पे हो या कहीं और किसी और बंदों को फंसा रहे होंगे वो। उन्होंने कहा जी ये 3 लाख है, हम इसमें से कोई 30% पता नहीं कितना जो है डिडक्शन करेंगे और आपको 6 महीने बाद का चेक देंगे।
तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने कहा सोचता हूँ, कैश का वो ऑप्शन कैश पे दे ही नहीं रहे थे, अदरवाइज कितने काम देते मैं कैश पे ले लेता। उन्होंने जो है कहा जी 6 महीने बाद का चेक ही देंगे, 6-7 महीने बाद का उन्होंने चेक दिया, मेरे से साइन करवा के फाइल अपने नाम पे उस बंदे ने ट्रांसफ़र करवा ली और मुझे वो चेक दे दिया। और मैं 6-7 महीने वेट करता रहा, जब 6-7 महीने बाद जाके पता किया तो उसमें पैसे नहीं है। उस बंदे को फ़ोन किया जी अच्छा मैं देखता हूँ करता हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा कभी कुछ है। तो मेरे ऐसे ही उसके ऊपर 3-4 महीने गुजर गए। मुझे फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है ना ये चेक आप बैंक में आप स्लिप लगवाएं इसकी, तो उसके बाद इसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो मैंने वो बैंक में भेजा, 2-3 दफ़ा उसके ऊपर वो मैंने जो बैंक की स्लिप लगती है वो भी लगवाई कि इसमें पैसे नहीं है उस, क्योंकि उसने पैसे देने होते तो वो देता, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। उसके बाद जो है वो मैंने उसके ऊपर जो है वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन भी की और उसके ऊपर FIR वगैरह जो वो कटवाए। बाद में पुलिस वालों ने उनको बुलवाया, हमें भी बुलवाया, सुना DPO ने जी अच्छा हम देखते हैं इसको करते हैं तो नेक्स्ट आइएगा। फिर बाद में अच्छा वो बुला रहे हैं कर रहे हैं, मतलब बात ये है कि वो टाइम वेस्ट होता है। अभी तक जो है वो मुझे अभी तक उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं। तो मैंने फिर उनको छोड़ ही दिया, मैंने कहा या तो फिर बंदा अपना टाइम ख़राब करे अपना माइंड ख़राब करे, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि इंशाल्लाह मेरे वो हुआ तो कभी ना कभी इंशाल्लाह मुझे वो वापस मिल जाएंगे। तो मोरल स्टोरी का ये है कि कभी भी आप लोगों को जो है ना जितने आपकी चादर है उतने पाँव फिराने चाहिए। आप लोगों को कभी भी ये नहीं ज़्यादा ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जब हम अपनी वीडियोस बनाते हैं कुछ करते हैं हम हकीकत बताते हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं किसी और डीलर से भी करते हैं, वो किसी और डीलर से लेकर चले जाते हैं, बाद में कहते हैं जी वो हमने फ़लाँ से कर लिया था या इस तरह कर लिया था। जो बंदा आपको हकीकत बता रहा है अथेंटिक चीज़ें बता रहा है आप उससे नहीं लेते हैं, आप किसी और से। हमारा भी कभी कभी दिल करता है कि यार हम आप लोगों को ठीक है जो बंदा आता है फसाए जाए, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि यार हमारा रिलेशन ना ख़राब हो और हम जो चीज़ दें उस बंदे के मुताबिक कोशिश करके उसको सारी चीज़ें बता के दें। वो ये ना हो कि कोई इन्वेस्टमेंट 3 साल की है और उसने घर बनाना है वो प्रोजेक्ट ही 10 साल का हो। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं बड़े लंबे लंबे चलते हैं, हमेशा आप लोगों को सोच समझ के जो है वो कदम उठाना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है वो बंदे को मार देता है। वो अगर मैं सोच रहा था कि जी मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाएगा और मैं उसको ऑन पे सेल कर दूंगा, वो मेरे जहन में वही था, लेकिन वो नहीं आया उसमें और लॉस में पैसे भी जो है मारे गए। हमेशा जो है मैं पहले भी यही कहता था अब भी यही कहता हूँ कि आप कोशिश करें आप कैश के ऊपर प्रॉपर्टी लें, जो ऑन ग्राउंड चीज़ है थोड़ी ले लें। अगर आप 10 मल्ले का लेना चाह रहे हैं 5 का ले लें, 5 का लेना चाह रहे हैं 3 का ले लें, जो आपको सामने चीज़ मिल रही है उसमें जो है वो आप लोग वो चीज़ लें अगर स्पेशली अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की मैं और भी स्टोरीज अपने क्लाइंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं वो उनसे पूछूंगा काफ़ी लोगों की, अगर वो अलाउ किया तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले और आप लोग जो है इस चीज़ से बच जाएँ।